हेलो गाइस, मेरा नाम है देव सिंह और आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज जो आपका फुल बॉडी वर्कआउट कर देगी। जी हाँ, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि 5 मिनट में फुल बॉडी वर्कआउट, लेकिन उस 5 मिनट में वो आपको 10 तरह की एक्सरसाइजेस बता देते हैं। मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी है, लेकिन किस टाइम करनी है, किन लोगों को करनी है, किस एज से किस एज तक के लोग कर सकते हैं, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं उस एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है स्किपिंग। जी हां, रस्सा कूदना। ये सुन के बड़ा सिंपल सा लगता है कि यार रस्सा कूदना। जी हाँ, बचपन में हम इसे बिल्कुल एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, एक मजे की तरह एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस स्किपिंग का सीधा सा कनेक्शन होता है हमारी फिटनेस से। ये एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो फैट कटर भी है और साथ ही साथ ये आपकी हाइट भी बढ़ा देती है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस एज से किस एज तक के लोग इसे करें जिनसे उनकी हाइट बढ़ सकती है। देखिए, मेडिकल साइंस ये कहता है कि 18 प्लस के बाद यानी 18 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि कुछ रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि 18 साल के बाद भी कुछ लोगों की हाइट बढ़ी है, लेकिन हम 18 से 20 ईयर्स तक मान के चलते हैं। तो यानी कि अगर आपके घर में आप अगर 18 क्रॉस कर चुके हैं तो आप इस एक्सरसाइज को फैट कटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके पड़ोस में बच्चे हैं, या आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को, किसी को भी, अपने दोस्तों के बच्चों को ये जानकारी आप ज़रूर दे सकते हैं। ये एक्सरसाइज 4 साल से लेके 50 साल की उम्र तक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चों की हाइट बढ़ानी है तो उनको 4 साल की उम्र से स्किपिंग की आदत डालिए। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है 4 साल से 50 साल की उम्र तक को लेकर। और 18 प्लस के बाद अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या है अपने फैट बढ़ने की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से, तो भी आप ये एक्सरसाइज अपने रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उनको नहीं करना चाहिए। जिनको जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, नी पेन का प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। किन लोगों को करनी चाहिए? जी हाँ, जिनका फैट बढ़ चुका है और जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। मॉर्निंग का टाइम, जी हाँ मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, मॉर्निंग का टाइम इस एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। सुबह सुबह आपको, आप खूब सारा पानी पीते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होने के बाद आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना है। उसके 40 मिनट के बाद आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत तेजी से और बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे एज ए फैट कटर, करेक्ट। अगर मैं आपको हाइट की बात करूं तो हाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 4 साल की उम्र से अगर बच्चा ये एक्सरसाइज करे, कोई भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी एक्सरसाइज करेगा तो उसकी हाइट बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग 30% ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी से अपने पड़ोस में अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी पहले स्किपिंग नहीं की है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पहले दिन से जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो सिर्फ 30 से 40 सेकेंड करनी है, करेक्ट। 30 से 40 सेकेंड के बाद आप धीरे धीरे अकॉर्डिंगली इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे ये उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप स्किपिंग कर लेते हैं तो आपको किसी दूसरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, किसी भी तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्किपिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जंप करती है और इससे आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है। आपके पूरी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है ये उसको निकाल के बाहर कर देता है। दोस्तों जाते जाते मैं इसके सारे बेनिफिट्स आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, आपका फैट माइनस होता है, आपकी हाइट बढ़ती है और आपका ये जो एक्सरसाइज है ये आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाती है, आपका जो कंसंट्रेट पावर है ये बढ़ता है। उसका रीज़न है कि जब आप स्किपिंग करते हैं तो आपका पर्टिकुलर टाइमिंग होता है कि ये रस्सा आया, आपने जंप किया और फिर उसके बाद से रस्सा घूम के फिर आपके ऊपर से आया, तो आपका सारा ध्यान आपके सिर्फ इसी टाइमिंग पे रहना चाहिए कि आप एक परफेक्ट प्रोसेस के साथ इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इससे आपकी माइंड कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपकी बॉडी में जो रक्त संचार है, जो ब्लड फ्लो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को खुद करता हूँ और बहुत 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 चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में पाए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट जरूर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन
आप तक पहुंच सके। तो आज ही स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ में चेंजेस जरूर लाइए। तब तक के लिए जय हिंद।